कोरोना केस इंडिया से लगभग गायब हो चुका है। इस वक्त छुट्टियां मनाने के लिए चाइना गया हुआ है और हमारे देश में भी 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। इसके बाद ही लोग खुले में घूम रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं और तो और फिल्में देखने के लिए भी जा रहे हैं। आगे की फिल्मों का क्या होगा वो अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन सूर्यवंशी को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि सूर्यवंशी ने 3 दिन में 75 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, ये बात कितना सच है कितना झूठ है ये हम और आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया जो दिखाएगी, जो बॉलीवुड वाले कहेंगे कि ये डेटा दिखाओ, वही मीडिया दिखाने वाली है, क्योंकि मीडिया को इस काम के लिए पैसे दिए जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड जो है वो अपने एटीट्यूड को, पुराने वाले एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए वापस से उसी घमंड के दौर में फिर से जा रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जितना विरोध होना था हो चुका है, अब हम वापस से जनता की बैंड बजाएंगे। अब देखिए, हुआ ऐसा कि सलमान खान के साथ कुछ फैंस जो है वो सेल्फी ले रहे थे और पेपराजीज और मीडिया वाले भी सलमान खान की तस्वीरें खींच रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ऐसा भी था जो सलमान खान का फैन था, लेकिन इतना डरा हुआ था कि वो डरते हुए 2 गज की दूरी पर खड़े होकर टेढ़े होकर सेल्फी ले रहा था, डरते डरते सेल्फी ले रहा था, कई एंगल्स बदल रहा था, कभी आगे जा रहा था कभी पीछे आ रहा था, जिसे देखकर सलमान खान के भीतर का जो गुस्सा है वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या करे, फिल्म आने वाली है अंतिम और सलमान नहीं चाहते कि ये उनकी जिंदगी की अंतिम फिल्म हो, किसी फैंस के ऊपर अननेसेसरी तरीके से भड़क जाए, उसका फोन तोड़ दे। इसलिए सलमान खान अपने गुस्से पर काबू रखते हुए सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि नाचना बंद कर, लेकिन इतना सुनने के बाद ही वो फैन शायद डर गया और वहां से खिसक लिया। उसने दोबारा कोई सेल्फी नहीं ली क्योंकि उसे भी यकीन हो गया था कि ज्यादा करीब गया। जैसे कोरोना में 2 गज की दूरी मास्क जरूरी है, वैसे सलमान खान से 2 गज की दूरी बनाना बेहद जरूरी है, वरना सलमान खान मार भी सकते हैं, उसका फोन पटक कर तोड़ भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाईजान की फिल्म आने वाली है, इसलिए भाईजान ने अपने गुस्से पर काबू रखा है, वरना बेचारे का फोन तो अब तक उसका अंतिम संस्कार हो गया होता। किसी ने लिखा कि बुजुर्गों के साथ सेल्फी वैसे भी सोच संभल कर लेनी चाहिए, क्या पता बुजुर्ग इंसान है कब भड़क जाए, और बुढ़ापे में अक्सर गुस्सा आना लाजमी। यानी आप ये कह सकते हैं सलमान खान की जो ट्रोलिंग है वो अभी भी जारी है, और अंतिम फिल्म आते आते सलमान खान की कितनी ट्रोलिंग होगी ये तो सलमान खान भी नहीं जानते।